गाइस आज की वीडियो कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ अलग तरीके से, यानी कि अलग एक ऐसी गेम जो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल काफ़ी लेवल पे बड़े बड़े लोग खेलते हैं, और हमारे साथ यानी कि जो मेरा जिम है, आप देख रहे हो बैक साइड पर मेरा जिम है जो, तो यहाँ पर ना एक बिल्कुल इंटरनेशनल जो है वो कोच आते हैं यहाँ पर कुश्ती के, कि जो किसी ने अगर ट्रेनिंग करनी है तो हमारे सीनियर से मैं आपको मिलाऊंगा, या फिर आप अगर इस चीज़ को लाइक करते होगे तो भी मैं आपको ये वीडियो देखने में बड़ा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े के लिए होगी, क्योंकि ये गेम जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेली जाती है। और अब मैं ये वीडियो हम हमारे जिम के अंदर जो ट्रेनिंग करते हैं, दो पर्सन आते हैं, एक हमारा अदर कंट्री का और एक हमारा लोकल है सीनियर है, तो मैं उनकी जो कुश्ती है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे पीछे की तरफ देखोगे तो देख रहे होगे, तो आप मैं इनके हाथ कुश्ती दिखाने वाला हूँ। बाकी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड गेम थी, और इस गेम के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन जो है उसके आंसर जो है वो मेरे कोच साहब वो बताएंगे, इसका बेनिफिट क्या है या फिर इस गेम के अंदर क्या क्या इंटरेस्टेड है, बताइए सर। एक्चुअली रेसलिंग बेसिक है, हर एक कोई भी कॉम्पैक्ट गेम है वो बेसिक रेसलिंग है हिंदी, बेसिक वधिया रेसलिंग करते हो तो बॉक्सिंग भी वधिया चल सकते हो, क्योंकि बैक स्ट्रोंग रहेगी जो रेसलिंग करते हो, जूडो जो परफेक्ट चलोगे, अजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है MMA, कुछ लोग सेल्फ डिफेंस सीखते हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशनल MMA करते हैं, तो उन्होंने बहुत बढ़िया है जो वो रेसलिंग करते हैं, तो उन्होंने केप तो उपरों केप तो बहुत बढ़िया हो जाते हैं, दैन बाकी गेम MMA करेंगे डिपेंड
क्योंकि MMA च चार गेमां मिक्सअप हो जाए बॉक्सिंग रैसलिंग किकबॉक्सिंग एंड जुजुत्सू तो जे तुसीं रैसलिंग करते हो तो बेसिक बिल्ड हो जाएगा। तो भाजी जिस तरह की कोई बेसिक परसन है उसके लिए नीड है इस चीज़ की या नहीं कोई आम बंदा है यानी कि अगर वो कितने बाहर जाना चाहता या फिर कुछ इसे अपनी सेफ्टी लिए इस दे विच कुछ है। रैसलिंग एवें दी गेम है जे तुसी रैसलिंग दे थोड़े बहुत मूव जानते हो तुसी एक तरह यूअर सेल्फ मतलब अपने आप ही तुसी सेल्फ डिफेंस तुहानू आ जाता है क्योंकि जिहड़े टेक डाउन करदे ने दूजे बंदे नू चुकना थ्रो करना डिपेंड टू तुहाडी बॉडी की मसल मैमरी उवें क्रिएट हो जाती है जिमें तुसी सेल्फ डिफेंस सीखना ते उहदे लई सब तो बेस्ट है जे तुसी थोड़ी बहुत रैसलिंग जानते हो ते तुसी मतलब कल्ले कॉम्बैट हैंड टू हैंड जे तुसी दूजे बंदे नू खड़न नहीं दोगे। ओके सर थैंक यू सो वेरी मच आज के लिए काफ़ी ज़्यादा और अब इसके दूसरा पार्ट वो आएगा बाद में उसके में कुछ हम आपको अलग तरीके से बताएंगे पर आपको पंजाबी अगर समझ आ गई तो ज़्यादा बेटर है अदरवाइज सॉरी। तो यानी कहने का मतलब ये था कि ये हर पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड गेम है क्योंकि इस गेम की आपको हर जगह नीड होती है अपनी सेफ्टी के लिए अगर आप कहीं पर जा रहे हो कैसे मर्जी है ये गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ऐसे नहीं है कि आपकी जो बॉडी है फिटनेस है वो भी आपकी बनी रहेगी इसके साथ में। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।